हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं हम लोग। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो याद रखें, लॉर्ड इरविन ने। अगला, किसी व्यक्ति ने गांधी जी किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने की उपलब्धि में। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। अगला है, किस विदेशी को कांग्रेस का दो बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? विलियम बिडरमन। अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। अगला, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? यह वेस्टर्न बेंस्टन चर्चिल ने। अगला, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जाफर द्वितीय को बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हड़सन ने। अगला, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? 1947। अगला, किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनका क्या नाम है? जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। दूसरा था सर विलियम विडरवन, ये बम्बई अधिवेशन का अध्यक्ष था। अगला है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ए ओ हूं। अगला है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, दादा भाई नौरोजी। याद रखिए, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे कौन? फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला है, रेक्यू टिंग सर्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी। अगला है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? अगस्त विस्तार। अगला है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? खिलाफन आंदोलन में मिला सहयोग। अगला है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी फिर से त्यागपत्र दिया था? ये थे शंकरन नायर। अगला है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रथम के पिसन पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? 1914 में। अगला है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइडेड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943। अगला है क्वेश्चन, हालात की मजबूरी थी और महसूस किया गया कि जिसे
रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता। अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? एथर रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून। अगला है, 1857 में कांग्रेस साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशक्त विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने, सिखों ने। अगला है, ग्लेम सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? इटली, इटली। अगला, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। अगला है, 1919 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। अगला है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो यह था होम रूल आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पथियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 से के बाद से। अगला है, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मार गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? ऊधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा का महल, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अगला है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय ने। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार, 1886, 1893 और 1906 में। अगला है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहां और कब की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में 1905 में। अगला क्वेश्चन है, किसको स्वामी विवेकानंद ने श्रेणी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अज्ञ शिखा कहा? तो ये थे मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता। याद रखिए, मार्गरेट नोबल को कहा था विवेकानंद ने श्रेणी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अज्ञ शिक्षा। अगला है, विभाजन करो जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जे कृपलानी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसे आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हूं को।
अगला है पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए तो ये थे जॉर्ज पंचम। अगला है भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल वूम फील्ड जांच समिति का किस सत्याग्रह से संबंधित थी? बारदोली सत्याग्रह से। अगला है केसरी समाज पर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला है केशव चंद सेन से किस संगठन से थे? संगठन तो ये ब्रह्मा समाज की। अगला आजाद हिंद फौज किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो याद रखिए सहनवाज खां, गुरु दयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर्स। अगला रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1940 में। अगला शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी किपलानी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत क्या था? अतिवादी संगठन। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ये थे लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। अगला कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। अगला चंपारण जनपद में तीन कटिया प्रथा का तात्पर्य था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीन बंधु मिश्र। अगला है वाकिम चंद द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? सन्यासी विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर फेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपना लगा? ये था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? आमार सोनार बांग्ला। अगला है 1929 में लेडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला है गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1916 में। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हरम से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो ये शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल वूम फील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बारदोली आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। अगला क्वेश्चन है साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है विनायक दामोदर दास सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे?
अभिनव भारत से। अगला शिमला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। अगला है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो 20 फरवरी 1947 को। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये थे क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये थे वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? किसान। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अगला है, किस देश देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। अगला है, वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये था रामोसी किसान आंदोलन। अगला है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विराजानंद। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? अहमदिया आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। अगला है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों का अनुमोदन कांग्रेस किन अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920। अगला क्वेश्चन है, सूर सैन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अगला है, रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई 1919 में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। अगला क्वेश्चन है, टाउन कोर में वहां के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कंपनी की बढ़ती जनजातियों के विरोध। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1898 में कहाँ के दरबार में किया की थी? इलाहाबाद के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? करौली। अगला क्वेश्चन है, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हैविट। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो ये थे सर सैयद अहमद खान को। अगला क्वेश्चन है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, सूर सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो ये था चटगांव आर्म्स डकैती। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये थे चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगला है, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, मैक्सवेल बेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? वारदौली सत्याग्रह से। अगला है, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी के। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे ने। अगला है, समानांतर सरकार में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ थी? सतारा की। अगला है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। अगला है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, किसने जाना जाता है खुदाई खिदमतगार के नाम से? तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर
फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। यह कथन किसका है? पी रॉबर्ट्स का। अगला है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अगला है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। अगला है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? 1920 में बी आर अंबेडकर ने। अगला है, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो यह था सूरत अधिवेशन। अगला है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये रॉलट एक्ट का लगना। अगला है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के। अगला है, 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध की लेखक क्रमशः है अशोक मेहता और वीर सावरकर। अगला है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? महारानी का घोषणा पत्र 1858। अगला है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1918 में बीपी वाड़ियन द्वारा। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? एम एन राय। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में हुई इसकी स्थापना, लखनऊ में हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? तो यह था रॉलेट एक्ट का लागू होना। अगला है, हार्डिंग बम कांड का नेता कौन थे? रास बिहारी बोस। अगला है, 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोही के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। अगला है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? आर सी दत्ता। अगला है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्ज के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने। अगला है, वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? एम एन राय। अगला है, भारत में थियोसिफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? उड़ियार में। अगला है, बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में। अगला क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। याद रखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम और नरम दलों में हुआ था सूरत अधिवेशन में, वह इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगला है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? नवाब सिराजुद्दौला।
अगला है 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, निर्भरता से राष्ट्र को वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? ये थी हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, ठीक उसी समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरेली ने। अगला है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्हें त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? भारतीय देशी राज्यों के से संबंध। अगला है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? अंग्रेजी भाषा में। अगला है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? ये था लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिंदा विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब यह हम स्वयं विभाजन है, यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? क्रमशः 71 और 147। अगला है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? ह्यूरोज। अगला है, किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही कि एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला है, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। अगला, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध हुए आंदोलन के समय। अगला है, किप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? महात्मा गांधी ने। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब पेशवा ने। अगला है, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश सी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। अगला है, वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला है, गांधी जी के विरोध में के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939 में। अगला क्वेश्चन है, सीआर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, भारत
कि विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी कृपलानी। अगला है वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। अगला है 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है 1909 में घोषित संविधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ली मिंटो सुधार के नाम से। अगला है नेहरू रिपोर्ट का को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू के। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? इलाहाबाद 1888 में। अगला है 20वीं शताब्दी में के आरंभिक दो दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। अगला है आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहन तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई है। टिप्पणी के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तेयव जी, सी आर दास। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा विकसित किया जाने वाला पद्य गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? चार भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। अगला है वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में किस के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बीरबल के साथ वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद। अगला है होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहां के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश के विरोध विद्रोही नेता रानी गाय डिलीव कहां की थी? नागालैंड की। अगला है गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। अगला क्वेश्चन है 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पद लौटा दिए थे? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहां पर एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, इससे संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को वंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 में। अगला क्वेश्चन है अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त सब किसने कहे थे? लाहौर अधिवेशन अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बनाए दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई।
बाद में 31 लोग बाग में 31 लोग किसका विरोध कर रहे थे? दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सिफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध का। अगला है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। अगला है, 13 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। अगला है, 1923 में सियादास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा करके सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में पिछले तिनकटिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी, इस पद्धति में व्यवस्था क्या थी? किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 विभाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। अगला खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो उसे वहन करने में सक्षम हो। अगला क्वेश्चन है, बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। अगला है, 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अगला है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अगला है, अप्रैल 1946 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भाषण की घोषणा अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। अगला है, अगस्त प्रस्ताव किप्स प्रस्ताव किप्स मिशन की असफलता तक तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को स्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? करो या मरो। अगला क्वेश्चन, वेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? सांप्रदायिक मतभेद के कारण। अगला, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं मैं हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है, लॉर्ड कर्जन थे। अगला है, कांग्रेस ने पहली बार कब देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका है? सीआर दास का। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। यह है, पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने तथा इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? 1928 में आया है भारत। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा
वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना, उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? डेन ऑफ वेल्थ। अगला है 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थाई भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? महासचिव का। अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया। याद रखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक स्नातक ने किया। इसका स्नातक का क्या नाम था? रहमत अली। याद रखिए पाकिस्तान शब्द का सृजन रहमत अली ने किया था लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगला है 5 फरवरी 1920 को 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन की घोषणा कर दी? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला के मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तो वह कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। अगला क्वेश्चन है सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसके ने कहा था? ये महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया? सॉरी 19 जुलाई 1905 पांच है यहाँ, ठीक है 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है चोरी चोरा कांड स्वराज पार्टी की स्थापना तथा फ्रेंड्स ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नगर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। अगला क्वेश्चन है और कौन से अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका था? दादा भाई नौरोजी का। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुशीराम बोस शामिल थे कब घटित हुई? 1908 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलायती अली ने। याद रखिए हम बिहार में बहाली आंदोलन के नेतृत्व किया था विलायत अली और इनायत अली दो लोगों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अगला है क्वेश्चन हमारा अस्फाक उल्ला किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? काकोरी रेल डकैती कांड से। अगला है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल द्वारा का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? लॉर्ड डबरिन के कार्यकाल में। तो चलिए हम लोग देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए ज्योतिबा फूले ने।
अगला है, 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? सांडर्स हत्याकांड में। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ड नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी की? ऊधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? एम एस खान। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? सैनिक नेता जनरल वक्त खां के। अगला है, दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? संसद। अगला है, भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में। अगला है, किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? 24वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया था? यह स्वराज्य दल ने। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई? अनुच्छेद 155। अगला है, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? 169। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। अगला है, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में सभा सुधारक के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसके किनके प्रयास से हुआ था? 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। अगला, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। अगला है, बारिंद घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति। अगला है, विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर ने अभिनव भारत का नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1904 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में।
अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चार पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? सांड, सांड। अगला है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव, जय विकास नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? वह पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी के हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। अगला है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। अगला है, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मणिराम दत्ता ने। अगला है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? ये थे फणेन्द्र नाथ घोष। अगला है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। अगला है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला है, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रॉलेट एक्ट का। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, 1868 में कलकत्ता विकसित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? डफरिन ने। अगला है, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? 1923 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। अगला है, गांधी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय युद्ध में सरकार के साथ नहीं है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई? क्रमशः सतारा और मिदनापुर। अगला है, मिदनापुर और सतारा में, याद रखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लामी और ना ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है, यह कथन है महात्मा गांधी। अगला है, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्पू। अगला है, बंगाल विभाजन 1905 मुख्यतः किस कारण से किया गया? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लेमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? लॉर्ड कैनिंग को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी। ठीक, दूसरी में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेहरू मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया गया? यह बाकिंग चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय एवं M.S. अड़े ने। अगला है, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो ये थे नाना साहब ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? यह त्रिपुरी मार्च 1939 में। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन की थी? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1939 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस के विचार के किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एलवा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी? ये कथन किसने कहा था राष्ट्रवादी नेता ने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट में, मालाबार में। अगला क्वेश्चन है, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज परिषद 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों के की तरह भारत में अपनी सरकार गठन करना है? यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का। अगला क्वेश्चन है, 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो ये था कम्युनल अवार्ड।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजीव मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1919 में सॉरी 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी कहा था? अनंत कन्हारे। अगला है, कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये थे तारकनाथ दास। अगला क्वेश्चन है, 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? ये थे वारिंद्र कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये था यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी किपलानी। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ विकास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाए गए? तो ये थे लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? एटली ने। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड किस घटना की घटना कब घटी थी? 11 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो ये था यूरोज। अगला है, महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व किन तीन प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नीली सेन गुप्त। अगला, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरंभ में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुई? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पर किस किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना
भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को किस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे? विनोबा भावे। अगला है, बारदोली में कर ना अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के हेतु। अगला है, किसने कहा था कि अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। ये थे बिपिन चंद्रपाल। अगला है, अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को उपनिवेशिक स्वराज्य देना। अगला क्वेश्चन है, अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ये था पूना समझौता। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 11 दिनों तक उपवास रखा था? तो यह 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसका था? ये महात्मा गांधी का। अगला, वर्ष 1907 में के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो यह सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? यह रोलेट एक्ट। अगला है, सुभाष चंद्र बोस से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया गया था? सन 1943 में सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया? अहमदिया आंदोलन। अगला, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? 27 मार्च 1947। अगला क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तीन कटिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला है, भारतीय राजाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पाना? 1878 में। अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किससे के नेतृत्व में हुआ था? रास बिहारी बोस के। अगला है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्वैत शासन प्रणाली लागू करना। अगला क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था
गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन किस संगठन से संबंधित था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अगला क्वेश्चन है, नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व युवा नागा नेता जादो नांग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रोक अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जादो नांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किसी युवती द्वारा किया गया? एथिन गिडेन लियू द्वारा। अगला है, सिख फौज आंदोलन कहाँ और कब हुआ? असम में हुआ 1830 में। अगला क्वेश्चन है, ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हर सिंह लाल ने। अगला है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फुलिन दास द्वार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। अगला है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? केसर ए हिंद। अगला है, श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए? एक क्रमशः लंदन और पेरिस से। श्यामा जी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियलिस्ट ये लंदन से, और मैडम कामा का वंदे मातरम ये पेरिस से। ठीक है, अगला, खैरा में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट विल का आधिकारिक नाम है? क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। अगला, यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया। इसके लेखक कौन थे? दीन बंधु मित्रा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टर्नेसी एक्ट जिसे जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदा जीव अन्य अधिकार दिए गए थे, कब लागू किया गया? 1885। अगला क्वेश्चन है, दो होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला 1 अप्रैल 1916 में बीजे तिलक द्वारा और दूसरा था सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। अगला है, 1919 में लागू किए गए एनार्कीकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? रोलेट एक्ट। अगला है, ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? खिलाफत आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, हमारा तीसरे गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? याद रखिए, इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस की ओर से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आरसी दत्त दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते थे। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया किसकी कृति थी? ये दादा भाई नौरोजी की। अगला क्वेश्चन है, जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम
एम जोशी ने 1911 में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। उन्होंने 1920 में बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। यह संगठन सोवियत संघ की ओर से झुकने लगा, तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? तो यह है, याद रखना, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए, उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? नवजीवन का। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया? अभिज्ञान शकुंतलम का। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रनाड़े, देरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ। तो याद रखिए, इनका क्रमशः था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यंग बंगाल मूवमेंट, फिर श्री नारायण धर्म परिपालन एवं, फिर मोहम्मद मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी। तो याद रखिए, महादेव गोविंद रनाड़े संबंधित हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से संबंधित। फिर हमारे देरोजियो, ये यंग बंगाल मूवमेंट से संबंधित थे। श्री नारायण गुरु की बात करें तो ये श्री नारायण धर्म परिपालन एवं से संबंधित थे। नवाब अब्दुल लतीफ थे, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी से संबंधित थे। अगला है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस कानून के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया गया। एक कानून किस वायस राय के कार्यकाल में हुए? लॉर्ड लिटन। अगला है, आगा खान के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल 1906 में शिमला में वायस राय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? आगा खान। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? 17 नवंबर 1921 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी चोरी चोरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 12 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया था? असहयोग आंदोलन। चलिए, तो हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? यह पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? बिहार में। अगला है, 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एन एम जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे? सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू।
अगला है क्वेश्चन हमारा, 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायस राय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मारो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? वक्त खान ने, बहादुर शाह जाफर ने औपचारिक नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम कौन अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो याद रखिए, श्रमिक दल की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लेकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 29 मार्च 1857 की देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई? 1920 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे? एम एन राय। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय सम्मेलन में। अगला, किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो ये लैरी कॉलिंस कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सेवा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना किसने की थी? डेके कार्वे ने 1916 में बंबई में। अगला है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। अगला है, भारत की शैक्षणिक नीति में फेल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? मैकाले। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को चार चरणों, व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? आर सी दत्ता ने। अगला है, वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, तो वह एम विश्वेश्वरैया। अगला है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ये थे एस एन सेन ने। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई थी 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, जून 1922 में गठित सविनय अयोग्या आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाकिम अजमल खान। अगला क्वेश्चन है, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का। अगला है, चक्कर लगाने वाले वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध 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 प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई, यह घटना थी लाहौर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोल मैच के संबंध में किसने कहा था कि सम्मेलन में भारत को दो कड़वी गोलियां रख छुपाए तथा संघ प्रदान की जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया, तो है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? याद रखिए अहमदाबाद हड़ताल में। अगला है, किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। अगला क्वेश्चन है, हमारा कांग्रेस ने पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन का की स्थापना इसकी स्थापना एस एन बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? 1876 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्ते लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? याद रखिए डॉक्टर सिफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगला क्वेश्चन है, 1906 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंट के गवर्नर कौन थे? लेस्ली विल्सन। अगला है, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। अगला है, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति के ज्वलंत तलवार संबोधित किया? सरोजिनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ जिसमें एन एम जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन को अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। अगला है, किसके झुकाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के झुकाव पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ए ओ होम। अगला है, बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर।
मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ हूं वह पीढ़ी पश्चिम की केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका था? अर्नेल्ड टॉय नबी का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी सिक्के प्रस्ताव को अपनाया था? यह बनारस अधिवेशन 1905। अगला है, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ऑरलैंडो मेसोटा। अगला, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है, हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला है, 1906 में बम्बई में द प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? बी आर सिंधे ने। अगला है, 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे? चितरंजन दास। अगला है, यह डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है, किस प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया गया? आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था? उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति पर तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? सरदार की। अगला है, असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा, गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी थी? खादी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा, इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? याद रखिए, अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी थी? ऑपरेशन जीरो आवर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की सहायता से। तात्या टोपे की सहायता से, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ की गई? नमक कानून तोड़ने की घटना से। अगला है, गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था? देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का आह्वान। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रनाड़े ने। अगला क्वेश्चन है, कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। अगला है, बंगाल विभाजन दिवस
किस रूम में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन के रूम में। अगला है, किसने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब अशिक्षित मोची सफाई करने वाली तुम्हारी ही हाड़ मास के हैं, तुम्हारे बंधव हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला है, स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब एवं कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ? 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्ला खां तथा रोशन लाल। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वी डी सावरकर ने। अगला है, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम बिडरवन। अगला क्वेश्चन है, न्यू लैम फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई, इसके लेखक थे अरविंद घोष। अगला है, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। अगला है, 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया था? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। अगला क्वेश्चन है, 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया था? बहादुर शाह जाफर, बहादुर शाह द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है, वायो वायोकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? केरल में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये था जॉर्ज एलिसन। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन में किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़ खड़ा रही है भारत में, मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांति पूर्वक निर्धन निधन में सहायता दूं। यह शब्द है लॉर्ड कर्जन के। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, भगत जवाहरमल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कूका आंदोलन। अगला है, नील दर्पण के लेखक थे दीन बंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अगला क्वेश्चन है, सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, पाथ वे टू पाकिस्तान किसकी कृति थी? चौधरी खलीकुज्जमा की। अगला है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो
अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना को कब घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, थियोसिफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अडयार में। अगला है, मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध पंडित मोतीलाल नेहरू से था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्याग राय तथा टी एम नेयर ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? वह बाजीराव के पुत्र ना होने से पेंशन पद के हकदार नहीं। अगला है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, हंटर आई की नियुक्ति किस घटना से संबंधित थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला क्वेश्चन है, जय प्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश राज के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे? एक राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला है, नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण में अस्तित्व में आया था? आई कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्यागना पड़ा था? चितरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। अगला है, किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? लॉर्ड बिलिंगडन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? वरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल फ्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ की थी? ये था चंपक रामन पिल्ले। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदार थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की थी? ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा।
अगला है, भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ने तो भारत के साथ सम्मिलित होगा ना कि पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। अगला है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन में 1930 में। अगला क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में किसने की थी? मैडम ब्ले बेट्स की एवं कर्नल ऑल कोट ने। अगला है, आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज वेदाज नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य गंगाधर तिलक की। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में, MP। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। अगला है, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? देख चुके हम लोग, पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? लाला लाजपत राय। अगला है, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो उनका जन्म याद रखिए वदर का उन्नाव उत्तर प्रदेश में, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने झाबुआ मध्य प्रदेश में ग्रहण की। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मिलित आयु अधिनियम पास हुआ जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? तो पारसी सुधारक VM मालवा मालवा बारी। अगला है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त किए गए? चार्ल्स मैट कॉप के समय। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण हिंदुओं की फीसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद की मिल हड़ताल के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया था?
यह जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कहाँ कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुशीराम बोस को। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? ये थे सर शंकरन नायर ने। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? ये थे वैलेंटाइन शिरोल ने। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंजाब से। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। अगला है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन कि किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? दूसरी बैठक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने। अगला है, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गए थे? नरेंद्र घोष। अगला है, किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ पेशिव रजिस्ट टेंस किसकी रचना थी? अरविंद घोष की। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर्स। अगला है, ऑल इंडिया डीफिस्ट क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की वित्तीय स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिड़ला के। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों को उत्पीड़न का चित्रण किया, यह एक है नाटक। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में। अगला क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्प मत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। अगला है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। अगला है, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पेशिव रजी स्टैच नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। अगला
अगला क्वेश्चन है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला, किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवान बिलु थम्पी को। अगला, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम था? मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1932 में। अगला है, 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला है, भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला है, 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट से अधिग्रहित कर लिया? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है, डांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? ये थे लॉर्ड हार्डिंग। अगला है, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? वीडी सावरकर। अगला, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहां से प्रारंभ हुआ? मद्रास से, जो अब चेन्नई में शामिल है। अगला है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लिए कौन है? अशोक मेहता। अगला है, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है, संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने। अगला है, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई गई योजना थी? माउंट बैटन योजना। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अगला है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अयोग्या आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? साइमन कमीशन के कारण। अगला है, रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? ये थे अजीमुल्ला। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अब अपना अगला क्वेश्चन है, चटगांव आर्मस डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? सूर सेन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रथम आवास कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। अगला है, घोंगू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? असहयोग आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? 1925 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का
आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अगला, किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? लीडर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? तो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यू एन डेवर ने। अगला है, किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो याद रखें, रॉलट एक्ट के विरुद्ध। अगला है, मार्च 1925 में किस केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? यह विट्ठल भाई पटेल को। अगला है, वीआई सोशलिस्ट सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की है? जय प्रकाश नारायण की। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू ने। अगला है, 1836 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया? यह पवनार सिंह। अगला है, बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का वापस ले लिया गया 1944 में। अगला है, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बाकिम चंद चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रहीम तुल्ला सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896। अगला है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो ये था मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1858 ईस्वी में। 1858 अंठानवे 1898। अगला, तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में। याद रखिए, तिलक का नारा था ये कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। अगला, किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांगकर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू से अस्वीकार करके उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने विकसित किया? तो इंडियन मुस्लिम लीग ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्योम चंद चटर्जी, ब्योम चंद बनर्जी। अगला है, गांधी के आंदोलन को
राजनीतिक रोस्ती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिन लेथगो ने। अगला है, 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन थे? खान बहादुर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज जॉर्ज ईवल। अगला है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी थी, उसका नाम था जीनत महल। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड क्रास। अगला क्वेश्चन है, कौन वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? लॉर्ड मेयो। अगला है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला है, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान पहली बार प्रथम बार बाकिम चंद चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये थे रहीम तुल्ला सयानी। अगला है, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है, 1908 में किस नेता को 6 वर्ष का कारावास की सजा हुई थी? ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया? कॉमनवील का। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? मद्रास में। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला है, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फंटम राइजेज रेजिज जस्ट नॉट लेवल किसका था? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। अगला है, किस मुस्लिम नेता ने भारत को विभाजन ट्रीचरस एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ सैंड्स ऑफ इंडिया आई सेल क्रिएट ए मूवमेंट विच वर्ल्ड 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 बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। महात्मा गांधी का ये कथन था, आउट ऑफ सैंड्स ऑफ इंडिया या आई सेल क्रिएट ए मूवमेंट विच वर्ल्ड बी लार्जर देन दैट ऑफ कांग्रेस। याद रखिए, ये महात्मा गांधी का कथन था। अगला है, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन थे? अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह के लेखक थे भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, इसके थे सावरकर। अगला है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिस्पेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की? तो बी आर अम्बेडकर ने 1920 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। अगला है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिवेशन द्वारा, 1909 के अधिनियम एक्ट द्वारा। ठीक है,
अगला है, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला, मोहम्मद तिक में शामिल थे केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। अगला है, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों उपवास के पश्चात दम तोड़ा था? जतिन दास ने। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, यूपी की। अगला है, वहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना। अगला है, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, मासिक पत्र का बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में विकासन किसने प्रारंभ किया था? वाकिम चंद चट्टोपाध्याय ने। अगला है, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, या कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है? हिंदू धर्म हमारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा, तो ये थे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1857 में। अगला है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय ही। अगला है, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत के पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता दी थी? नेपाल ने। अगला है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी बैठक में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किसने की थी? किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। अगला है, भारत में पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 23। अगला है, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1929 में। अगला है, तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं से लेकर रहूंगा? तो याद रखिए 1916 में। अगला है, मंगल पांडे जिनके अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित थे? बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव फेटी से। अगला है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। अगला है, किसान विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बन गए? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा किसानों के ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान था ये। अगला है, रोलेट टैक्स के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी सिद्धानंद ने। अगला है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगला है, विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने।
चलिए हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? ये 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है हमारा, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, उस भार समय भारत का वायस राय कौन था? लॉर्ड लिट्टन। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा था? दीन बंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपीय नील खेती के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतीहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से उड़ पड़कर उनके लिए कुछ नहीं किया, तो यह स्वामी विवेकानंद जी। अगला है, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ए वी रामास्वामी नायकर। अगला है, गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी? तो 1872 में ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन है, तमिल पत्रिका कुड़ी अरासु की स्थापना किसके द्वारा की गई? ई वी रामास्वामी नायकर द्वारा। अगला है, महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार लोक हितवादी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किस संस्था से प्रारंभ किया गया था? आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है, लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहे थे रहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। अगला है, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो यह फिरोज शाह तो मेहता का फिरोज शाह मेहता का एक कथन था। यह कथन किसका था कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए? ये था एमजी रनाडे का। अगला, पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? ऑपरेशन जीरो आवर। अगला है, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला, कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला? यह कोल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्ध नग्न फकीर है? तो यह था विंस्टन चर्चिल ने। अगला है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, 1920 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? स्वामी सिद्धानंद के नेतृत्व में। अगला है, शरत चंद्र चटर्जी किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया? पाथेर दावी। अगला है, 1931 में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे एम एन जोशी, बीबी गिरी तथा मिडाल क्रांति बोस। अगला है क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए?
1887 से। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। अगला है, भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। अगला है, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था, यह उक्त किस इतिहास की है? अशोक मेहता की। अगला है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। अगला है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी राज्यों का विलय। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। यह कथन किसका था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ये था कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेहरू मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, तिलक के देहावसान के बाद अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, नायक विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। अगला है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। अगला है, दांडी जहाँ महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? भुज जनपद में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? केसर ए हिंद की उपाधि। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? वर्धा अधिवेशन में 1942 में। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए। अगला है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला है, 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विपिन चंद पाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? नलगोंडा से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। अगला है, भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? नहीं। अगला है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? वह उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। अगला है, भारत के स्वतंत्रता
स्वतंत्र प्राप्ति के बाद पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। अगला है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के। अगला है, चंपारण संघर्ष में किस नेताओं ने प्रमुख महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य वर्रा डकैती माना जाता है, पूर्वी बंगाल में। अगला है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? ये था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? ये थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने। हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर। तेवागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता ने को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अयोग्या आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? यह था रोलेट एक्ट के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? माइकल ओडायर की। अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिट्टन। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो ये था खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ये जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। अगला क्वेश्चन है, बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक षड्यंत्र केस में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सावित्री घोषित की उपाधि ग्रहण की थी? तो द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा है? बीडी सावरकर ने। अगला है, बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? बाकिम चंद चट्टोपाध्याय का। अगला क्वेश्चन है, 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र विकसित किया था? योगांतर 1906। अगला क्वेश्चन है, गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? नासिक षड्यंत्र से। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? अमेरिका। अगला है, किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। अगला किसने कहा था कि आई एम विथ यू होल हार्टली हार्टली एंड इन टर्म ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू तो एनी बेसेंट। अगला, चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी? रेंड लेफ्टी आयर आयर्स की
अगला है कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1942 को। अगला है 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दस्तों का गठन किया? यह जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? स्वराज दल की। अगला क्वेश्चन है बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924, मेरठ केस 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली से वेदर नियम पद तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा ने। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। अगला क्वेश्चन है 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। अगला है सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, यह याद रखिए जो 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट फर्स्ट महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी, और भारत की फर्स्ट महिला सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिए एनी बेसेंट, लेकिन भारत की नहीं थी। ठीक है, भारत की थी सरोजिनी नायडू। अगला है आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? प्रीति उषा मेहता। अगला है कांग्रेस के संस्थापक एओम ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो याद रखिए कभी नहीं बने। अगला है क्वेश्चन हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। ये 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे। अगला क्वेश्चन है पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1900, याद रखिए यहाँ गलत छपा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। ठीक है, यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था, तो ये थे पंडित मोतीलाल नेहरू। याद रखिए इनकी मृत्यु हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की 7 अगस्त 1941 को, और इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। ठीक, अगला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी? ये थे अनंत कनहरे हेरे। अगला इंडियन मेरन नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है फीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखिए 1794। अगला याद रखिए फीट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 ईस्वी में पारित। ठीक है, अगर आपको बता दें
कि अगर आपको लगता है कोई डेट गलत है तो उसे एक बार चेक जरूर कर लें। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1930 ईस्वी में। अगला है आजाद हिंद फौज की स्थापना करने कब लिया गया था? 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट डेंस लीग की सभा में। अगला है हुलिप इफ इंडिया डाई या किसकी ने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया, उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैत लाक। अगला है गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? मई 1916 में। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध प्रारंभ हुआ आंदोलन है के समय। अगला है कांग्रेस में गोलमेज सम्मेलन किस बैठक में भाग लिया? तो केवल दूसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग लिया था महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से। ठीक, अगला है दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1937 में जन जागरण की स्थापना कहाँ हुई थी मंच की? तो यह मैसूर राज्य में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर केसर दत्त। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित फिशन और उनके उत्तर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठी चार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रपति नेता राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई जिनका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 ईस्वी। अगला 1935 के भारत अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला है जिन्ना ने किस दिन का मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को। अगला है सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। अगला क्वेश्चन है 1923 के विधानसभा चुनाव में 100 राज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। अगला है खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 से। अगला है क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसने के विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के। अगला
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? उषा मेहता को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो तीनों बैठकों में भाग लिया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने। अगला क्वेश्चन है, 1940 में संचालित व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। अगला है, यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक की। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे? विलियम जोन्स। अगला है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? तो याद रखिए, 1909 के एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। अगला, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने। अगला है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड डफरिन। अगला है, द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सन्याल सचिता सचिंद्र नाथ। अगले, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष का। अगला है, हाउ इंडिया फोर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। अगला है, बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग्स। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया था? बाल गंगाधर तिलक का। अगला है, महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। अगला है, पूला पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? द्वितीय बैठक में 1931 में। अगला है, किसने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं वो सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? तो ये थे करतार सिंह सराभा। अगला है, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मन्मथ पद्मनाथ पिल्ले द्वारा। अगला है, किस नेता ने 1942 से 1943 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है, रानी गुडली का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह से 1932। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो 1906 में किया गया था। अगला है, लॉर्ड कर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो ये था क्रिक पेटिक शिष्टमंडल। अगला है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सेलिंगम पंतुल पंतुलु ने। अगला है, 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो ये थे L.E.R. रीज ने। अगला क्वेश्चन है, वंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय फोर्स्ड डिटेक्ट चेक कहकर ठुकरा दिया था? किप्स मिशन। यहाँ याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ?
1931 में 5 मार्च को, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद व उनके साथियों ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे को। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, बंगाली देशभक्त की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, संभलपुर जैतपुर बगहाट किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? तो यह गोद निशेष सिद्धांत के अंतर्गत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? ये था वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। अगला है, मद्रास में होम रूल लीग की प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। अगला है, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रोलेक्ट एक्ट को। अगला है, 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी, इसके प्रथम सचिव थे भगत सिंह। अगला है, नागरिक अयोग्या आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला है, गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? 78। अगला है, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला है, 1857 मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? 10 मई। अगला है, 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदार नहीं की? शिक्षित वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी। अगला, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक है चार्ल्स बोल। अगला है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। अगला है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावण कोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? वायकोम आंदोलन। अगला है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है, 1854 के बोर्ड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पद को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य विचारक बनाया? न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? ये थी अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठी चार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिए, लाला लाजपत राय। अगला है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम में हुआ? 1909 के अधिनियम में। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1935 के अधिनियम से। अगला है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन
के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? मंजर सेना। अगला क्वेश्चन है, जालियावाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? हंटर समिति ने। अगला है, भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? बटलर समिति की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो याद रखिए ऊधम सिंह थे। अगला है, कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? चापरकर बंधु, दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव, चापेकर। अगला है, अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसने सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? नरेंद्र गोसाई। अगला है, CFND किस उपनाम से जाने जाते हैं जाते थे? दीन बंधु। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता। अगला है, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1906 में ढाका में। अगला है, वेदों के पुनरुद्धान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक। अगला क्वेश्चन है, अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, गुरु वायूर सत्याग्रह के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? के कलप्पन ने। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1912 में। अगला है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। अगला है, 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? तो अली मुसलियार। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1924 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायस राय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे शंकरन। अगला, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर ए हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सहयोग सरकार के सहयोग के बदले मिला था? पुरस्कार को लौटा दिया था, केसर ए हिंद को लौटा दिया था, तो असहयोग आंदोलन के पहले। अगला है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगला है, इंडियन मिरर किसकी कृति है? केशव चंद्र सेन की। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो इसमें शामिल थे बट्टू केशव दत्त और भगत सिंह। अगला है, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर सेन को चट्टगांव
हत्यागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? 12 जनवरी 1934 को। अगला है, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिए, पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सम्राट साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो याद रखिए, लाला लाजपत राय ने। अगला है, दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, साम्यवादी अतिवादी नेता एम एन रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की थी? तो याद रखिए, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। अगला, मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन सा था? बिरसा मुंडा। अगला है, अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? शिंदे ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल पूना में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? तो याद रखिए, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला है, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो याद रखिए, दोनों ने। अगला है, 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में। अगला है, अवध को अंग्रेज राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? बोगरा एवं मेमन सिंह। अगला है, 1840 में के लगभग किसने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था? तो गुरु राम सिंह ने। अगला है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जॉन्स ने। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 की भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरेली ने। अगला है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर बीराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने। अगला है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। अगला है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था? अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंधित। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कहाँ प्रथम बार प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये चंपारण बिहार में 1917 में। अगला है, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? फैजपुर 1936, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? वेलूर में। अगला है, वहावी आंदोलन के प्रेरिता थे सैयद अहमद बरेली। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? बारदौली की महिलाओं ने। अगला है, तेमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल विभाजन बंगाल किसान सभा ने।
तिमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो याद रखिए बंगाल किसान सभा ने। अगला है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो याद रखिए बंबई में। अहमदाबाद आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? पंजाब में। क्या है अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था? पंजाब में। अगला तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। अगला सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद वादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादाभाई नौरोजी ने। अगला है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो याद रखिए विंस्टन चर्चिल ने। अगला है ठीक उस समय जब जन उत्साह है अपनी पराकाष्ठा पर था पीछे हटने का आदेश दिया था राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। अगला है भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसने के द्वारा की गई थी? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन द्वारा योजना द्वारा। अगला है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसको प्राप्त है? जॉर्ज ईयूल को। अगला है 1928 में प्रथम वाद क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो याद रखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। अगला है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला है किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीति पीड़ितों का दिन माना है? 18 अगस्त 1929 को। अगला क्वेश्चन है हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं यह किसका कथन था? सैयद अहमद खान का। अगला किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अगला है 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम। अगला है सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? जमादार चिश्ती खान और एवं सूबेदार डोंडे खान। अगला है मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। अगला है प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की। अगला है सशक्त क्रांति के संगठन के उद्देश्य हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अक्टूबर 1924 में। अगला है 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम बिड़ला, महासचिव थे ठक्कर बाबा। अगला है इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? 1938 में हरिपुरा, गुजरात में। अगला है 1820 से 30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी विवियन डेरो जियो।
अगला है, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशक्त विद्रोह की योजना बनाई थी? पंजाब में। अगला है, किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह? तो याद रखिए डिजराइली ने। अगला है, 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया? तो याद रखिए दिल्ली पर। अगला है, अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ? गिरफ्तारी के बाद, तो याद रखिए तात्या टोपे। अगला है, वहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद रायबरेली। अगला, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को। अगला है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। अगला है, सन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कांग्रेस कलकत्ता। अगला है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। अगला है, किस वायस राय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। अगला है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था? जाकिर हुसैन समिति ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। अगला है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? ओमाजी नायक के नेतृत्व में। अगला है, कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक किसने तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे? गोपाल हरि देशमुख। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले। अगला है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन की। अगला है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो याद रखिए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को। अगला है, मदन लाल धींगरा ने 1909 में लंदन में करजन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की कूड़ सजाएं देने के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नाम की गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने। अगला है, 1888 में इलाहाबाद की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था? जॉर्ज यूले। अगला है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राज्य है, यह कथन किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला है, कम्युनल ट्राई एगिल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? डॉक्टर अशोक मेहता ने। अगला है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटुकेश्वर दत्त। अगला है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था थे डॉक्टर ये थे लाला हरदयाल। अगला है, रेशमी पत्त षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में? ग्वालियर में। अगला है, नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग से। अगला है, दक्षिण भारत में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरलू नायडू ने। अगला है, भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। अगला है, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था?
आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको भी मृत्यु दंड दिया गया था? तो याद रखिए मदन लाल धींगरा। अगला प्रश्न है हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है, 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। अगला है, जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई किया जाना कब निश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1946। अगला है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये थी हंटर समिति। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930। अगला है, 1857 को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चिंतित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिक कौन था? ये था डिजरेली। अगला है, यंग बंगाल के संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे बेमचंद बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था फैजाबाद में। अगला, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह कथन किसका था? अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरोध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855-56 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था? खस्सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो यह रोलेक्ट एक्ट। अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था? अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 8 अगस्त 1942 को बंबई में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम समाज की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? तो ये थे जेम्स आउट्रम। अगला है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? 9 से 10 सितंबर 1928 में। अगला है, जातीय दुर्भावना के विरोध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? ट्यावन कोर में। अगला है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उन्हें रंगून निर्वासित किया गया।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो ये था हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये थे हेनरी विवियन डेरिजियो ने। अगला है, महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? ये था वेल्लोर में 1806 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो ये था व्यूहगत सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन। अगला है, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? जनरल वक्त बख्त खान। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन थोपने के विरोध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेलों ने विद्रोह किया? सौराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, मदन लाल धींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो ये कर्जन वायली की। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण। अगला है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत का क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन। अगला क्वेश्चन है, 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो ये थे खुदीराम बोस। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? ये थे वैलेंटाइन शिरोल ने। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनेल्ड। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब कौन थे? पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? ये थे वक्त खान ने। अगला है, भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये था राजद्रोह। अगला है, 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था कि ईमानदार किंतु बोलशेविक अतः अधिक खतरनाक है? महात्मा गांधी ने को। अगला है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। अगला है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका था? विपिन चंद पाल का। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की मुखबिरी करने के बाद कारण फड़िंद घोष की हत्या किसने की थी? वैकुंठ शुक्ल ने। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर टेंड की हत्या। अगला है, अंजुमन ए मुहिबुआने वतन के संगठन की स्थापना किसने की? सरदार अजीत सिंह।
अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? इलाहाबाद 1892 में। अगला क्वेश्चन है, नमक आंदोलन से संबंध घरसान आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया? तो ये थे बेब मिलर, मिलर ने। अगला, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना सस्तागार स्थापित किया था? डिंडीगुल। अगला है, 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका था कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है? तो ये थे जेम्स आउड्रम। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति की गठन किया गया, उसके माध्यम थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? लाला हरदयाल। अगला, राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ? केरल में। अगला है, लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? तो महात्मा गांधी ने। अगला है, केसर ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के जन्मदाता देश बंधु चितरंजन दास की मृत्यु कब हुई? जून 1925 में। अगला है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण से। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला है, मनमनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो ये था काकोरी रेल डकैती कांड में। अगला है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? जगदीशपुर रियासत से। अगला है, सुरमा घाटी किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? असम से। अगला है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी किपलानी। अगला है, चोरा चोरी चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया? असहयोग आंदोलन। अगला है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया हुआ थी कदम्बिनी गांगुली। अगला है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था, इससे किसने और कब दिया? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है, मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खान को। अगला क्वेश्चन है, चटगांव सस्तागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सूर सेन ने। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के वही गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रोलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? महात्मा गांधी जी ने। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? 7 अप्रैल 1934 को। अगले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ,
इन दलों के उस समक्ष अध्यक्ष कौन कौन थे? तो याद रखिए कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार, और इसके मुस्लिम लीग के थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1906 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। अगला है, भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही, इसका यह किसका कथन था? आईजी पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 की टिप्पणी। अगला है, बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो ये थे विंसेंटन विंसेंटन चर्चिल का। अगला है, 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन पे हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। यह कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया? तो याद रखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था। अगला है, आचार्य जे वी कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी घटी थी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या था? भारत से धन की निकासी का सिद्धांत। अगला है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में शिकागो में। अगला है, कांग्रेस किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव 1924, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला है, 1857 के विद्रोह को निशंसता पूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना गया, इसका कार्यक्षेत्र था इलाहाबाद। अगला है, कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए? 1907 में। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत सब किस स्थान पर हुई? पवनार से। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? लाहौर गेट को। अगला है, किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइस वाइस रीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो याद रखिए लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो याद रखिए अहमदाबाद आंदोलन के दौरान 1918 में ये हुआ था। अगला है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक हैं एस ए डांगे ने। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? तो याद रखिए लॉर्ड बेलेजली। अगला है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की, यह कथन किसका था? लॉर्ड कर्जन का। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी के। अगला क्वेश्चन है, 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण था? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की, यह हड़ताल किस कारण हुई थी? बंगाल बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। अगला है, किसने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
है स्वामी विवेकानंद नंद ने सिडनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता, अरविंद घोष ने अग्री शिक्षा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबल शिष्टा निवेदिता के लिए। अगला है बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिए 1911 में लॉर्ड हार्डिंग। अगला है मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नाम दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। अगला है विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने दिया था और कब? मुस्लिम लीग ने लीग के कराची अधिवेशन 1942 में। अगला है किस वायसराय का संबंध बैक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो याद रखिए अगस्त प्रस्ताव में। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? पवनार से। अगला है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो याद रखिए शंकर नारायण ने। अगला है किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? याद रखिए रॉलेट एक्ट पास होने के समय। अगला है किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। अगला है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटना स्थल पर शहीद हुए? 11 है। अगला है जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रकट करने के लिए। अगला है भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया? ब्रिटिश संसद ने। अगला है भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चटर्जी द्वारा गाया गया? तो याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। इसके अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सयानी। अगला है शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ए ओ ह्यूम। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? नेपाल में। अगला है अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो याद रखें अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अगला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? अंडमान में। अगला है अजीम मुल्ला किसके मुख्य सलाहकार थे? नाना साहब के। अगला है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वीडी सावरकर ने। अगला है नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया कौन थे? तात्या टोपे। अगला है चपाती और लाल गुलाब का संबंध किससे था? 1857 के विद्रोह से। रोटी और गुलाब के फूल का संबंध था 1857 के विद्रोह से। अगला है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे? चितरंजन दास। अगला है खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध। अगला है लाल कुर्ती आंदोलन के किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये थे खाल
खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। अगला है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? जून 1948 तक। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव सस्तागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? सूर सेन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर अंगीकृत किया? बंबई में। अगला है, सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? यहाँ लॉर्ड हार्डिंग। अगला है, किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? भारत सरकार एक्ट 1935। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1940 में। अगला है, भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या क्यों की? सॉन्डर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई, इसका बदला लेने के लिए। अगला है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने। अगला है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? आजीवन निर्वासन की सजा। अगला है, भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या के आरोप में। अगला क्वेश्चन है, यदि भगवान अस्वस्थता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतिन दास ने। अगला है, पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चाफेकर बंधु। अगला है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला है, सूर सैन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अगला है, आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शहनवाज खां और गुरुदयाल सिंह ढिल्ले प्रेम सहगल, तीन लोग थे। ठीक, शहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्ले और प्रेम सहगल। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो ये थे चित्तू पांडे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता का नाम डोंडू पंत था, नाना साहेब का। अगला है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हडसन ने। अगला है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? वीडी सावरकर ने। अगला है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वैद्यांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला है, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान को। अगला है, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। अगला है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, इस विभाजन को किसने काल में रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग को। इसे याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बनता है हर पेपर में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, ठीक है, और इसका रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? चोरी चोरा किसी हिंसक घटना के कारण। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसान आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई? खेड़ा सत्याग्रह में। अगला है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध छेड़े गए आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरोध की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना। अगला है, भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। अगला है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला
अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था? 1917 में हुआ था तिनकटिया प्रणाली के कारण। अगला है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर। अगला है बिहार में असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर के आया है? राजेंद्र प्रसाद। अगला है 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों को संरक्षण में रुचि दिखाई? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। अगला है 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। अगला है 1840 के दशक में कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? गुरु राम सिंह ने। अगला है खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1919 में। अगला क्वेश्चन है चटगांव आर्म्स से डकैती के नेतृत्व प्रदान करने वाले सूरसेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अगला क्वेश्चन है अरविंद घोष ने किस समाचार पत्रिका पर कई वर्षों तक संपादन किया? वंदे मातरम समाचार पत्रिका। अगला है वेलु थम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया, वह कहाँ के दीवान थे? ट्रावन कोर के। अगला है 1857 के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्राप्ति को एकाएक रोक देने का कारण क्या था? चोरी चोरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने करो या मरो जैसा सख्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। अगला है 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस विभाग के मंत्री थे? गृह विभाग। अगला है रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 के बाद। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है महात्मा गांधी ने कब किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। अगला है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया? पॉवर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया। अगला है अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। अगला है बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द हुआ था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग के समय। अगला है विवियन करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। अगला है आजाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? ये थे शहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। अगला क्वेश्चन है हमारा अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया था? अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है धारा सरगा नमक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? सरोजनी नायडू ने। अगला है 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड वेवेल ने। अगला है आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था?
रानी लक्ष्मी, रानी झांसी रेजिमेंट। अगला, किसने कहा था कि यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? महात्मा गांधी जी ने। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? यह था बेलगांव अधिवेशन 1924। इसकी अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारा आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन।